हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कि जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ आज की वीडियो में मैं आपके लिए। वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो हमारे जो नुमाइंदे कनाडा में रह रहे हैं, हमारा ऑफिस है कनाडा में, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे बनाई जा रही है। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि वो वकील हैं, लेकिन उनके सजेशन से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखो। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कनाडा में क्या है, दो डेफिनेशन है। पहला है एक मैरिड पर्सन या मैरिड कपल। मैरिड पर्सन कनाडा में उसको माना जाता है जो पर्सन अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ एक साल से इकट्ठे रह रहा है, एक ही प्रूफ के ऊपर, एक ही एड्रेस के ऊपर, और उनके पास अपने रहने के प्रॉपर प्रूफ हैं, उनको ही मैरिड कपल माना जाता है। दूसरा आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि कनाडा में क्या है, कनाडा की सरकार है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को मानता नहीं देती। जब से ये कोरोना का शुरू हुआ है 16-17 महीनों से, तब से क्या है, तकरीबन इस कैटेगरी में 1,00,000 फाइल्स लगी हुई हैं, लगाई गई थी लेकिन वो पेंडिंग पड़ी हैं। लेकिन स्टाफ की कमी से उन एप्लीकेशन के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे क्या है, कनाडा गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे कि एक फाइल लगी तो एक फाइल के ऊपर तकरीबन खर्चा आता है 20,000 कनेडियन डॉलर। कितनी फाइल्स लगी हैं आपको पता ही है कि तकरीबन 1,00,000। तो टोटल कितना कनेडा का, जो कनेडा गवर्नमेंट का नुकसान हुआ वो कितना हुआ है, 20,000 मिलियन डॉलर। कितना कनेडा गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर मैं इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले हैं उनको मैं साफ यही कहूँगी कि आप सोशल मीडिया पे इस शब्द की वर्तो ना करें तो आपके लिए अच्छा नहीं। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि आप कनाडा में पढ़ने के लिए गए हो, वहाँ जाकर किसी अगर किसी मैरिड पर्सन के साथ, चाहे वो मैरिड वूमन है या मैरिड मैन है, तो आप उनके साथ अगर कोई रिलेशन रखते हो ना, तो इसका सीधा असर यही होता है कि आप किसी की फैमिली को ख़त्म कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो आपके प्रूफों के आधार पे आपके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाता है और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो स्टडी वीज़ा है ना, ये टेम्परेरी वीज़ा होता है, इसे कैंसिल करके आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो पैसा देकर अपना वकील हायर कर लेंगे, लेकिन आपका जो वकील है ना वो आपकी डिपोर्टेशन को डिले कर सकता है लेकिन उसे रोक नहीं सकता। चाहे आपको थोड़े टाइम बाद डिपोर्ट किया जाए या फिर उसी टाइम किया जाए, लेकिन आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा अगर आप ये गलती करते हो। तो जितने भी स्टूडेंट कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं उनको मैं यही सलाह दूंगी कि वहाँ पर आप ऐसी गलती ना करें ताकि ऐसा ना हो कि आपको डिपोर्ट होना पड़े। कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर किसी की एप्लीकेशन पे कोई गलत जानकारी दी गई है तो आप ये प्रूव कर सकते हो, या फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी होने से पहले आप कनाडा में रह रहे अपने हस्बैंड या वाइफ के विरुद्ध क्रिमिनल केस रजिस्टर कर सकते हो और कनाडा में उसकी परमानेंट रेजिडेंसी या फिर सिटीजनशिप के ऊपर आप रोक लगा सकते हो, रुकावट पैदा कर सकते हो उनकी सिटीजनशिप और परमानेंट रेजिडेंसी मिलने में। तो अब हम बात करेंगे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिन्होंने की हुई है, तो उनके लिए अब क्या किया जा सकता है, वो क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देनी चाहती हूँ कि 2 साल पहले क्या है, कनाडा की सरकार ने कनाडा में आए हुए जो फिलिपिन के लोग थे उनको वन टाइम छोड़ दी थी। उसमें क्या था कि कनाडा की सरकार ने उन्हें वन टाइम छोड़ दी थी कि जो उनके फैमिली मेंबर फिलिपिन में रह गए हैं, जिनका नाम एप्लीकेशन में दर्ज नहीं था,
उनका नाम दर्ज करवा के वो अपने फैमिली मेंबर्स को कनाडा बुला सकते हैं। तो इसको आधार बनाकर आपकी पॉलिटिकल सेटलमेंट करवाई जा सकती है। आपकी हेल्प कौन कर सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है इंडिया का प्रधानमंत्री, इंडिया का फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, कनेडियन एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली, पंजाब का चीफ मिनिस्टर, कनेडियन गुरुद्वारा दशमेश दरबार सरी का जो प्रधान है, गुरुद्वारा खालसा दरबार टोरंटो का जो प्रधान है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ओपोजिशन लीडर जगमीत सिंह इन कनेडियन पार्लियामेंट। तो ये पर्सन हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कनाडा के इमिग्रेशन में क्या है। कनाडा में आकर आपके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रखा गया है उसका जिक्र किया गया है, वो इसलिए किया गया है ताकि आप कनाडा जाकर इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग में आपको किसी तरह की वहाँ कोई समस्या ना आए। क्योंकि अगर आप वहाँ जाकर पढ़ना भी चाहते हो या फिर वहाँ जाकर आप कोई काम करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही बोली जाती है, इसलिए आपको इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करने के लिए बोला जाता है। लेकिन अब जो एट प्रेजेंट क्या स्थिति बनी हुई है कि इंग्लिश का टेस्ट जब कंडक्ट किए जाते हैं तो वो इंटेलिजेंसी के टेस्ट होते हैं। अगर आपको सबूतों की ज़रूरत है तो हम फ्री में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सो इन टेस्टिस का रेलिवेशन लेकर आप कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। सो जितने भी स्टूडेंट हैं जो फाइल लगाते हैं सबके प्रूफ अलग अलग होते हैं और सबका साधन भी अलग अलग होता है। किसी की एजुकेशन कितनी है, किसकी एज कम है, किसकी एज ज़्यादा है, तो सबके जो फाइल लगाने का तरीका वो अलग अलग होता है। तो ज़्यादा डिटेल में अगर जानकारी लेनी है तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9882950 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचे जो कॉन्टैक्ट मैरिज के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। और दोबारा फिर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को यही कहूँगी कि आप कनाडा जाकर ऐसी गलती ना करें ताकि आपको डिपोर्ट होना पड़े, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो जाता है तो आपको डिपोर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। सो अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।